तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्ट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए, अभी नहीं, वो जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ती उनके पास गई, उनको सुना, और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। इसीलिए सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीज़ों को सुनेंगे। आप लोग गलत रीड कर रहे, आप किसी भी सीनियर लॉयर को बिठाकर पूछ लीजिए जो मुझसे काबिल है, वो बोलेगा कि 91 एक्ट ये कहता है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, और आप बार बार जो सर्टन की बात कर रहे हैं वो एक मिसाल के तौर पर कहा गया जो आज के ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं है। सर क्लियरली मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, पढ़ के ऑर्डर बताइए। नहीं नहीं सुनिए, नहीं नहीं आप ऑर्डर पढ़िए, सपोज ऑर्डर पढ़, नो सपोज नथिंग, आप ऑर्डर पढ़िए। सर जस्टिस चंद्र, नहीं नहीं आप ऑर्डर पढ़िए, आप सुनिए, देखिए ऐसा नहीं हो सकता, नहीं 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 मैं आपकी बात का यकीन ही नहीं कर सकता। आप आज का जज ऑर्डर पढ़िए, चलिए बताइए मेरे को उसमें क्या है। प्लीज गो एंड रीड द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द 91 एक्ट। द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सेज वेरी क्लियरली टू प्रिवेंट कॉन्ट्रोवर्सीज। यू आर क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सी बाई डूइंग दिस, यू आर ट्राइंग टू चेंज द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ अ मस्जिद विच द पार्लियामेंट हैज मेड अ लॉ। आप कैसे करेंगे ये? कोई मजाक हो जाएगा कि आप आने 50 साल पहले आपने मथुरा के एग्रीमेंट किया मुसलमानों के साथ, जमीन लिया आपने और वहां पर आपने एक आलिशान मंदिर बनाया और आप मुकर जाते हो उस एग्रीमेंट से जिसको कोर्ट से मंजूर करवाया आपने, एग्रीमेंट करके आप मुकर जाते हैं। नहीं नहीं वो सब वो बोले करे नहीं। आप मेरे को ऑर्डर में बताओ, ऑर्डर में लिखा कुछ? आपको बोल दिया आपके स्टूडियो में बैठ कर ज्ञान दे रहा, आपको कोई हिमाकत कर रहा है, अलीफ का नाम भाला नहीं आता, थम्सअप है वो, मगर हमारे एडिटर ना, आपके एडिटर थम्सअप है। आप कम से कम उसको तो फॉलो करो, आप रिपोर्ट लीक होती यार आप कैरी कर देते, कौन दिया रिपोर्ट आपको मालूम? अब आप रिपोर्ट कैरी कर ले कि अब आपके एंकर जज बन गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी राय ये है कि वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश ही नहीं हुई और जिसको सर्वे कमिश्नर बनाया गया था उसको हटा दिया गया, वो बेचारे को तकलीफ हो गई, पेट में दर्द हो गया, तो उसने अपना गुस्सा किसी और पे निकालने के लिए आप लोगों को अपना मित्र समझकर दे दिया और आप लोग माशाल्लाह उसके दोस्त निकले, आपने रिपोर्ट को कैरी कर दिया, आपने लाइव कैरी कर दिया। इस बात पे भी नहीं सोचा कि रिपोर्ट कोर्ट में पेश होनी चाहिए, मगर आप लोगों को जल्दी है कि इसका टीआरपी ना बढ़ जाए, मेरा टीआरपी कम ना हो जाए। 91 का एक्ट ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को मंदिर मस्जिद गिरजाघर जो है वही रहेगा, खिस्सा खत्म, पीरियड।